हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है डे 4, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में डे 3 को डे 2 बोल चुका था। तो आज चौथा दिन है हमारी जिप्सी को मॉडिफाई करवाने का। अभी सुबह सुबह मैं आ गया हूँ और आज है 26 जनवरी। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो जिप्सी का काम आज स्टार्ट होगा। आगे की छत नापी जा रही है अभी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद क्या क्या सीन होगा, कैसे बनाया जाएगा, ऊपर से सनरूफ भी रखी जाएगी फोल्डिंग वाली, काफ़ी कुछ काम आज होना है। तो अभी बस फिटिंग वो इंची टेप से नाप ले रहे हैं और उसके बाद सामान वगैरह आएगा, फिर उसके बाद वेल्डिंग वगैरह का काम आज से स्टार्ट हो जाएगा। आज केबिन को तैयार करवा ही दूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम भी लग चुका है और मतलब मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से गाड़ी तैयार हो जाए और फुल ऑन हम धमाल करें, मनाली जाएँ, स्पीति जाएँ, विंटर्स मतलब कार्निवल में जाएं। काफ़ी ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ वहाँ पे आती हैं। तो बस आज तैयार करवाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा सीन है। तो देखिए, अभी इंची टेप से नाप लिया जा रहा है। देखो, और पूरी फिटिंग देखी जाएगी प्रॉपर। इधर को आयो, इधर को। वाले सलाम जी, आयो। ये देखो, ये वाली सेटिंग अभी तैयार हो रही है। कितना इसमें चादर आएगी, क्या रहेगा सीन। तो अभी आतिफ भाई कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये साइड बॉडी से थोड़ा बाहर आ रहा था तो इसकी कटिंग हो रही है। तो आज क्या क्या काम होना है? आज हम इसकी जो है शीट लगा के पीछे से बैक कंप्लीट कर देंगे। अभी आप चादर खरीदने जा रहे हो शायद? अभी हम चादर खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी पीछे की बॉडी का तो काम चल रहा है और इसके लिए जो चादर की सीट आएगी वो लेने जाना था, तो गाड़ी में जा रहे हैं इम्तियाज भाई। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर ये सामान लेके आ जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा, वो खुद लेके आ जाएंगे सारा सामान, छत वत का जितना भी सीट लगेगी उन्होंने मेजरमेंट कर दिया है और पूरा वो लेके आएंगे। फिर उसके बाद फिटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आज इसे मैं केबिन बनवा के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखते हैं फिर अभी क्या सीन रहता है। गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से स्टार्ट नहीं हुई थी। प्रेशर बना रहे हैं, खड़ी गाड़ी थी, बारिश भी हुई थी तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। ये साउंड कितना तगड़ा आ रहा है इसका। तो अभी गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है, खुली पूरी ओपन। तो अभी जा रहे हैं इम्तियाज भाई और वो सामान लेके आएंगे, फिर आगे का काम स्टार्ट होगा। तो अभी सामान आ चुका है, गाड़ी वापस आ चुकी है। और ये रही कितने एमएम की है, 20 गेज की ये चादर आ रखी है। ये देखिए, ये फिट हो जाएगी और हमारी छत प्रॉपर बन जाएगी। और फ्रंट का हम बम्पर इससे ही बनाएंगे। तो ये रहा फ्रंट के बम्पर के लिए एंगल आ गया है और 20 गेज की चादर, आज ये कंप्लीट सेटअप किया जाएगा। तो अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें काटनी पड़ेगी क्योंकि इसमें चादर वेल्ड होगी। साइड से ये काट
सेटिंग बिठाना सच में एक काफी टफ काम है। सेटिंग बिठाने में इतना टाइम लग रहा है, मैं तो सोच रहा था कि छत कवर हो जाएगी, ये हो जाएगा, काफी काम हो जाएगा, बट क्या करें गाइस, अभी सेटिंग बिठाने में ही थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि 10 बार उसे फिट करो, फिर 10 बार कटिंग करो, और जो उसमें एक्स्ट्रा पीसेस लगे हुए थे जो प्रॉब्लम दे सकते थे उसे भी कटिंग किया है। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है, इसको तो अभी फिट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस क्या क्या हो पाएगा आज देखते हैं। ये देखिए हर बार 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 थोड़ा कुछ ना कुछ कटिंग की ज़रूरत पड़ रही है प्रॉपर फिनिशिंग के लिए। ठीक है, फ्रंट से देखते हैं, हाइट ऊपर तो नहीं जा रही है, हल्की सी है ऊपर, हल्की सी है, देखो बस इसकी सेटिंग में ही जो टाइम लगेगा लगेगा, बाकी वेल्डिंग में इतना टाइम नहीं लगने वाला। तो देखिए सेटिंग में ही जो है टाइम लगने वाला है, देखिए क्योंकि प्रॉपर सेट करना पड़ता है ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए, लीकेज वीकेज जो भी है, मतलब प्रॉपर बॉडी कैसे तैयार की जाए। तो ये सेटिंग का काम देख रहे हैं अभी, मतलब मोस्टली अभी यही चलेगा क्योंकि अभी टाइम लगने वाला है काफ़ी जिप्सी में। मैं सोच रहा था जल्दी हो जाएगी, बट टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में, किसी चीज़ को अपने हिसाब से बनानी है तो टाइम तो लेगी वो चीज़। तो देखिए ये देखिए सेट हो रहा है पूरा। तो सेटिंग करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे सर पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे थोड़ा कहीं जाना भी है, तो मैं इसलिए आज जा रहा हूँ गाइस। आज मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया और काम तो अभी चलेगा, थोड़ी देर और चलेगा। देखिए अभी सेटिंग ही बिठाई जा रही है और काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मुझे लगा था जल्दी हो जाएगा पर लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, क्योंकि देखिए अभी से आगे लेके आए हैं और यहाँ से भी, क्योंकि ये बॉडी से आउट जा रहा है तो यहाँ से भी कटेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से अभी सेटिंग बिठाई जाएगी, तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। मेरे थोड़े सर में भी दर्द हो रहा है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।